नमस्कार, हूँ आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। बात सियासत की, कौन बनेगा कांग्रेस का नया अध्यक्ष, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। नामांकन का आज आखिरी दिन है, लेकिन कितने उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। बड़ी खबर आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह थोड़ी ही देर में कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगे। दिग्विजय सिंह इलेक्शन इंचार्ज मधुसूदन मिस्त्री से मुलाकात करेंगे। मिस्त्री ये कह रहे हैं कि दिग्विजय नामांकन कर सकते हैं, लेकिन इंडिया टीवी को कांग्रेस के टॉप सोर्सेस से खबर मिली है कि दिग्विजय अपना नामांकन नहीं भरने वाले हैं। और ऐन वक्त पर मल्लिकार्जुन खड़गे की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है। खड़गे दोपहर करीब 12:30 बजे के आसपास पर्चा भर सकते हैं। इसी बीच अशोक गहलोत भी एक्टिव हैं। थोड़ी देर में गहलोत और खड़गे की मुलाकात हो सकती है। तो देखिए, अभी भी सस्पेंस का दौर जो है कांग्रेस में वो बना हुआ है। खुलकर सभी पत्ते सामने नहीं आ रहे हैं। ये अभी भी तय नहीं हो पा रहा है कि कांग्रेस की आगे की कमान आखिर किसके हाथ। क्या दिग्विजय सिंह अपना नामांकन फाइल करेंगे, इसको लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन अब अटकलें मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को लेकर ज्यादा लगनी शुरू हो गई है। खड़गे आज नामांकन करेंगे, इसकी पुष्टि कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कर दी है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि वो और पीएल पुनिया खड़गे के प्रस्तावक होंगे। प्रमोद तिवारी ने कहा कि दोपहर 12 बजे तक अध्यक्ष पद को लेकर पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। गांधी परिवार ने तय कर लिया है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में दलित समुदाय से जो 9 बार एमएलए रहा हूँ, 3 बार एमपी रहा हूँ, कर्नाटक जैसे राज्य का 7-8 साल तक प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ, विधानमंडल का नेता रहा हूँ और वो लीडर के रूप में राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह रहे हैं, अनुभवी हैं, सबको लेके चल सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति पे हम लोगों की राय यही है कि उन्हें इसे स्वीकार करना चाहिए। हम जा रहे हैं प्रदेश कांग्रेस, वहाँ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में, वहाँ प्रस्तावक उनके बनेंगे। हम और पुनिया साहब, सलमान खुर्शीद साहब से भी बात हुई है और अखिलेश जी अब उनसे तो बात नहीं हुई मेरी। अखिलेश जी राज्यसभा सदस्य, हम लोग सब उनका प्रस्तावक बन रहे हैं, अनुरोध किया है। कितने बजे जाएंगे सर, बात हो गई है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तैयार है चुनाव लड़ने के लिए? साहब कितने बजे जाएंगे? लगभग 12 बजे आप प्रतीक्षा कीजिए। देखिए, एक समाचार जब चलाओगे तो चल जाएगा। अब आप पूरा भविष्य पूरा जानना चाहोगे नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कत होगी। तो 12:30 बजे वो भर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि 12:30 बजे आपको हम लोगों के अनुरोध को स्वीकार करते हुए खड़गे साहब दिखेंगे। और तो देखिए, आपने प्रमोद तिवारी को सुना जो साफ कर रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे नॉमिनेशन फाइल करेंगे। इंडिया टीवी के रिपोर्टर कांग्रेस के एक एक हलचल की खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और सबसे पहले आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। विजय लक्ष्मी ने एक बड़ी खबर दी। G23 ग्रुप के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा मल्लिकार्जुन खड़गे का सपोर्ट करेंगे, उनके प्रस्तावक बन सकते हैं। प्रमोद तिवारी ने भी कुछ ऐसा दावा किया। मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने के लिए सुबह दिग्विजय सिंह भी पहुंचे थे और उसी के बाद से अटकलें और ज्यादा हो गई कि मल्लिकार्जुन खड़गे आज अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। अब देखिए, पवन बंसल भी कांग्रेस दफ्तर पहुंच चुके हैं। बंसल ने कहा कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद के दावेदार के प्रस्तावक होंगे, लेकिन उन्होंने ये पत्ते नहीं खोले कि आखिर वो किसका समर्थन करने वाले हैं। 5 दिन पहले कह दिया था, जब पहले दिन आपने ये बात गलत समझ ली थी कि फॉर्म क्यों ले गया। मैंने तभी कहा कि उसमें 10-10 उस पे प्रस्ताव करने वाले होते हैं प्रपोजर्स, उन 20 में से एक फॉर्म पे 10 में से एक मैं होऊंगा। मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे आप अपनी बात बता दीजिए सर। आज आखिरी दिन है नॉमिनेशन का, आप किनके लिए प्रस्तावक होंगे? आपको घंटे दो घंटे में आपको बता दूंगा, जब दायर नामांकन दो महीने की ज्यादा होंगे, जब दायर करने जाऊंगा वो तो मैं कह नहीं सकता। वो मुझे क्या मालूम है कितने लोग आके दायर करेंगे, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरे वाले हैं मैं उनको सबमिट करूंगा, लेकिन घंटे दो घंटे में आपको पता लग जाएगा। तो दिग्विजय सिंह ने कल खुद अपने उम्मीदवारी का ऐलान किया, लेकिन पिछले कुछ घंटों में घटनाक्रम इस तरह से तेजी से बदले कि वो रेस से लगभग बाहर हो चुके हैं। दिग्विजय सिंह ने कुछ देर पहले खड़गे और कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की, लेकिन अपनी दावेदारी पर कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया। उनके बेटे ने कहा कि साफ हो जाएगा कि दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ेंगे या नहीं, दोपहर तक इंतजार करना चाहिए। देखिए, अभी तो इसके बारे में जानकारी अभी हमको पूरी नहीं है। जैसा कि वो कल से कह रहे हैं दिग्विजय सिंह जी कि इंतज़ार कीजिए 11 बजे 12 बजे तक,
और अभी वो आ ही गए हैं, तो एक बार उनसे और अभी जानकारी हमें मिल जाएगी कि आखिर उनका क्या निर्णय होगा फाइनल। तो नॉमिनेशन पक्का है इस बार होगा आपके हिसाब से? ये अब एक घंटा से कम रह गया है। जैसे कि कंपटीशन भी है, शशि थरूर भी हैं इसमें, दिग्विजय सिंह भी हैं, आप कैसे देख रहे हैं इस मुकाबले को? मेरे अनुसार जो भी होगा ठीक होगा, अच्छा होगा। तो ग्राउंड जीरो से इस वक्त मेरे पांच सहयोगी जुड़ चुके हैं, पवन नारा कांग्रेस दफ्तर से, विजय लक्ष्मी कांग्रेस दफ्तर से, गोनिका अरोड़ा भी वहीं पर मौजूद है आनंद शर्मा के घर के बाहर जहां G23 के नेताओं की मीटिंग हो सकती है, आनंद पांडे शशि थरूर के घर के बाहर से जुड़े हुए हैं, जबकि भास्कर मिश्रा जोधपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विजय लक्ष्मी आपका रुख करते हुए, अब क्या अटकलें इस वक्त लग रही हैं मल्लिकार्जुन खड़गे का आज नॉमिनेशन फाइल करना लगभग तय माना जा रहा है? बिल्कुल, अब जिस तरह से प्रमोद तिवारी ने भी एक तरीके से आधिकारिक तौर पर भी कह दिया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अपना नामांकन भरेंगे, यानी जो अब देखना होगा कि जो पवन कुमार बंसल ने दो फॉर्म्स लिए थे और कहा जा रहा था कि उन फॉर्म्स को एकदम तैयार करा दिया जाएगा, क्योंकि बड़ी सारी टेक्निकलिटीज होती हैं जब भरे जाते हैं डेलीगेट्स, उनका नंबर, वो सब चीजें भरनी होती हैं, तो देखना होगा क्या उन्हीं में से एक फॉर्म में जो है मल्लिकार्जुन खड़गे अपना नाम भर के और नामांकन दाखिल करेंगे या कोई नया फॉर्म जो है मल्लिकार्जुन खड़गे लेंगे। देखिए वाइल्ड कार्ड एंट्री एक तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे की है, लेकिन कल सुबह ही हमने इंडिया टीवी के दर्शकों को बताया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी रेस में शामिल हैं। हालांकि कल क्योंकि अशोक गहलोत के नाम पर भी चर्चा हो रही थी, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम क्योंकि गहलोत को लेकर संशय कल बरकरार था, तो ऐसे में ये खबर सूत्रों से छन छन कर आ रही थी कि कोई भी ऐसी स्थिति बनती है जब अशोक गहलोत ना हो कैंडिडेट, तो ऐसी स्थिति में मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का नामांकन जो है वो भरेंगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे अब से थोड़ी देर में हमें बताया गया है 12:30 के आसपास यहां पहुंच सकते हैं, 12:15 का समय है जब शशि थरूर आएंगे यहां पर अपना नामांकन भरने के लिए। शशि थरूर एकमात्र ऐसे कैंडिडेट हैं जो उन्होंने बहुत पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि मैं नामांकन भरूंगा, 30 तारीख को भरूंगा और चुनाव लड़ूंगा, लेकिन इसके अलावा तमाम चीजों पर संशय जो है बरकरार रहा। दिग्विजय सिंह ने भी हालांकि कल पर्चा जरूर लिया था, लेकिन उन्होंने कहा था संभवता भरूं, अब इस संभवता में काफी सारी चीजें एक ओपन एंडेड मोड पर उन्होंने चीजों को छोड़ दिया, अभी उनको लेकर के सस्पेंस बरकरार है। हालांकि सूत्र ये इस ओर जरूर इशारा करें कि मल्लिकार्जुन खड़गे अगर नामांकन दाखिल करेंगे तो ऐसे में दिग्विजय सिंह अपना नामांकन नहीं दाखिल करेंगे। विजय लक्ष्मी पत्ते कोई भी खोलना नहीं चाह रहा है, साफ तौर पर कोई कुछ कह नहीं रहा। आनंद पांडे शशि थरूर के घर के बाहर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, शशि थरूर के घर के बाहर इस वक्त क्या हलचल, क्योंकि सुबह शशि थरूर आज एक बार फिर जब अपने घर से निकले थे उन्होंने साफ कर दिया कि अब से कुछ ही देर में मैं अपना नॉमिनेशन फाइल करने जाऊंगा, लेकिन जब सवाल ये आया कि आपका मुकाबला किन-किन से होने वाला है तो उन्होंने कहा कि इंतजार करिए, कई सीनियर लोग हो सकते हैं। जी बिल्कुल, और ये तय है कि शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और 12:15 पे ये AICC हेडक्वार्टर पहुंचेंगे जहां पर वो कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अपनी उम्मीदवारी के लिए पर्चा भरेंगे। और आपको बता दें कि शशि थरूर संविधान के मुताबिक, कांग्रेस संविधान के मुताबिक जो जरूरी डेलीगेट्स की संख्या होती है वो उन्होंने जुटा ली, उनके घर पे भी डेलीगेट्स की भीड़ लगी हुई है जो उनके साथ यहां से जाएंगे और सीधा कांग्रेस हेडक्वार्टर में जाके वो पर्चा भरेंगे। और पर्चा भरने के बाद ठीक 1 बजे शशि थरूर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हम आपको दिखा सकते हैं कि ये जो बोर्ड आप देख रही हैं, इसी बोर्ड के बैकग्राउंड में शशि थरूर अपना पर्चा दाखिल करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और जब हमने पूछा शशि थरूर से कि आपके खिलाफ खड़गे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, और उन्होंने एक बात और कही कि अगर कांग्रेस की तरफ से कोई ऑफिशियल उम्मीदवार नहीं है और खड़गे अगर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पर्चा भरने जा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है कि कांग्रेस में, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सही मायनों में अच्छी और असली लड़ाई देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के वरिष्ठ नेता है, इनके मित्र है, और ऐसे में अगर वो उनके सामने चुनाव लड़ते हैं तो एक अच्छी लड़ाई होगी, हेल्दी कंपटीशन होगा। उन्होंने कहा कि जो भी होगा उसमें कांग्रेस की ही जीत होगी, और साथ ही साथ जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के लिए जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सहारा लिया जाता है उससे पता चलेगा कि कांग्रेस पार्टी में चुनाव से भी अध्यक्ष जो बनते हैं। तो ऐसे में कुछ देर बाद अभी भी अपने जो उनके समर्थक और डेलीगेट्स के साथ शशि थरूर घर में बैठक कर रहे हैं, और अब से कुछ देर में वो अपने घर 97 लोधी स्टेट से सीधे कांग्रेस मुख्यालय जाएंगे जहां पर वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए अपनी उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल करेंगे।
बिल्कुल आनंद, गोनिका अरोड़ा का रुख कर लेते हैं क्योंकि आज सबकी निगाहें मल्लिकार्जुन खड़गे पर टिकी हुई हैं। खड़गे के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़ चुकी है गोनिका। आज के स्टार खड़गे हैं क्योंकि देखिए दिग्विजय जब उनसे मुलाकात करने के लिए सुबह पहुंचे तो लगभग तस्वीर अब साफ हो गई है कि दिग्गी राजा इस रेस से बाहर हो गए हैं, बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे अब आगे हो गए हैं और दिग्विजय उनके प्रस्तावक बन सकते हैं। फिलहाल क्या हलचल उनके घर के बाहर इस वक्त? बिल्कुल, दिग्विजय सिंह नॉमिनेशन फाइल करेंगे या नहीं करेंगे इस पर ज्यादातर तस्वीर तो साफ हो गई है, लेकिन जो मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि 11:30 बजे दिग्विजय सिंह आएंगे, अब से सिर्फ 20 मिनट का वक्त है। अगर देखना होगा दिग्विजय सिंह 11:30 पहुंचते हैं नॉमिनेशन फाइल करेंगे, नहीं तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम तो पूरी तरह कन्फर्म है। प्रमोद तिवारी ने, पीएल पुनिया ने यह कन्फर्म कर दिया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष पद की रेस में बिल्कुल है और सबसे टॉप पर है। वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे और लगभग 12:15 से 12:15 के बीच में वो वहां पर जाएंगे कांग्रेस ऑफिस में और वहां पर जाकर नॉमिनेशन फाइल करेंगे और उनके प्रस्तावक बनकर प्रमोद तिवारी और पीएल पुनिया गए हैं। इसके अलावा एके एंटनी का नाम भी प्रस्तावक के रूप में सामने आ रहा है। वहीं अभी फिलहाल यहां की तस्वीर दिखाएं तो यहां पर लगातार सुबह से हलचल जारी है। दिग्विजय सिंह यहां पर पहुंचे थे और अब इस वक्त फिलहाल तारिक अनवर अंदर मौजूद है, वो इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर रहे हैं। हो सकता है कि उनका भी नाम प्रस्तावक के तौर पर हो। इसके अलावा अशोक गहलोत के भी यहां पहुंचने की उम्मीद है। अशोक गहलोत जोधपुर हाउस से तो निकले हैं, लेकिन अभी उम्मीद की जा सकती है कि शायद वो यहां पर पहुंचे, मल्लिकार्जुन खड़गे से आकर मुलाकात करेंगे। और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम कल रात से सबसे ज्यादा रेस में आगे चल रहा था, हालांकि कल रात से स्पेकुलेशंस चल रही थी, लेकिन अब जब मीटिंग यहां पर सुबह से हो रही है, प्रमोद तिवारी और पीएल पुनिया जब यहां पर पहुंचे और उन्होंने पूरी तरह ये कंफर्म कर दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव लड़ेंगे अध्यक्ष पद की रेस में। और बस सबसे कुछ ही देर का इंतजार, लगभग 1 घंटे का इंतजार और मल्लिकार्जुन को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ है उसके बाद क्लैरिटी जरूर हो जाएगी। पवन नारा कांग्रेस दफ्तर से जुड़े हुए हैं। पवन, देखिए 10 जनपद से जिसको सहयोग अध्यक्ष वही बनेगा, ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन कांग्रेस दफ्तर के बाहर इस वक्त क्या हलचल है? कौन कौन वहां पर पहुंच चुका है? क्या सुख बुगाहट वहां पर? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पवन बंसल ने 2 नामांकन पत्र लिए थे जिस पर फॉर्मेलिटी करके जानी थी। जब वो यहां आए तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं नामांकन पत्र लेके आया हूं, जिसका प्रस्तावक मैं हूं, मैं बता दूंगा, मैं 10 हस्ताक्षर लेके आया हूं। तो देखिए ये पूरी प्लान्ड स्ट्रेटजी के तहत हुआ है और जिस तरीके से अगर आप सियासत समझना चाहें तो उसका एग्जाम्पल ये प्रेसिडेंट इलेक्शन कांग्रेस के लिए है, वो है। सबसे पहले नाम आया गहलोत का, लेकिन उनका नाम पर सबसे पहला सवालिया निशान लगाया दिग्विजय सिंह ने जब कहा कि वन पोस्ट वन पर्सन का रूल लागू होता है। उसके बाद राजस्थान में जो खींचातान हुई वो हमने देखी। जैसे ही गहलोत उस खींचातान के बाद रेस से बाहर हुए तो दिग्विजय सिंह रेस में सामने नजर आए, लेकिन उसके बाद कुछ संभावना इस तरह की दिखाई दी कि G23 से भी नामांकन हो सकता है और शायद यही वजह है कि दिग्विजय सिंह को अब पीछे हटने का संकेत दे दिया गया है और सरप्राइज कैंडिडेट के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे आगे आए हैं। दलित नेता है, 80 साल उम्र है, नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा में और सबसे बड़ी बात यह कि 9 बार MLA रह चुके हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक की जो स्क्रिप्ट है जिसमें पवन बंसल ने 2 नामांकन पत्र लिए थे, हो सकता है कि उनमें से 1 नामांकन पत्र मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए इस्तेमाल हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि G23 के नेताओं ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर बने रहिएगा पवन, इसी बीच एक और बड़ी खबर देनी जरूरी है। दिग्विजय सिंह खड़गे के प्रस्तावक बनेंगे, दिग्विजय सिंह खुद पर्चा दाखिल नहीं करेंगे, बहुत बड़ा अपडेट। अटकलों का बाजार सुबह से आज गरमाया हुआ था कि दिग्विजय सिंह नॉमिनेशन अपना फाइल नहीं करेंगे बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे को सपोर्ट करेंगे। विजय लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ी हुई है। विजय लक्ष्मी, ये बहुत बड़ा अपडेट है, दिग्विजय सिंह खुद खड़गे के प्रस्तावक बनेंगे और अपना नॉमिनेशन फाइल नहीं करेंगे, इस पर अब जो क्वेश्चन मार्क सुबह से लगा हुआ था वो खत्म हो चुका है? देखिए प्रिया, अभी जो है अभी सूत्रों से खबर यही आ रही है कि दिग्विजय सिंह नामांकन ना भरें, इसकी संभावना बेहद ज्यादा है और वो मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रपोजर बन जाएं, क्योंकि 10 प्रपोजर जो हैं वो चाहिए होते हैं किसी भी व्यक्ति को अपना नामांकन भरने के लिए। हमें बताया गया एके एंटनी भी एक प्रपोजर होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए, उसके अलावा दिग्विजय सिंह भी उनके प्रस्तावक हो सकते हैं। हालांकि औपचारिक तौर पर अभी कोई ऐलान नहीं हुआ है, दिग्विजय सिंह की तरफ से अभी तक कोई बात नहीं
की गई है कि वो पर्चा भरेंगे नहीं भरेंगे, उन्होंने जो मधुसूदन मिस्त्री हैं उनसे बात भी की है, लेकिन सूत्र कह रहे हैं इसकी संभावना बेहद बेहद कम है कि वो अपना पर्चा भरें। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे पर्चा भरेंगे तो वो उनके प्रस्तावक जरूर हो सकते हैं, लेकिन देखना होगा। जब यहां पर एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे का 12:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है, 12:15 बजे शशि थरूर आएंगे और 12:30 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर आकर के अपना नामांकन भरेंगे। संभावना बेहद कम है, लेकिन आप जब दिग्विजय सिंह यहां पहुंचेंगे तभी एक तरीके से कहेंगे कि इस चीज पर मोहर लगेगी, लेकिन अभी सूत्र इस ओर इशारा करें कि वो अपना नामांकन नहीं भरेंगे। ठीक है, भास्कर मिश्रा का रुख कर लेते हैं, जोधपुर हाउस से जुड़े हुए हैं। भास्कर, अशोक गहलोत को हमने कल देखा सोनिया गांधी से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने साफ कर दिया कि वो अध्यक्ष की रेस से बाहर हो चुके हैं। आज क्या हलचल, अभी कहां के लिए निकले अशोक गहलोत? अशोक गहलोत अभी जोधपुर हाउस में ही हैं, देर रात यहाँ पे मीटिंग चल रही थी, आनंद शर्मा भी आए थे, और जब अध्यक्ष पद की रेस से ये बाहर हो गए तो उसके बाद आगे की प्रक्रिया जो है उसमें ये शामिल रहेंगे। ऐसी खबर आ रही है कि यहाँ से ये भी सीधे खड़गे के पास, मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे जाएंगे, उनसे मिलेंगे। प्रस्तावक होंगे या नहीं इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ से उनको निकलना है कुछ देर में, तैयारी सारी हो चुकी है। और जो एक साथ वो दो रेस अभी तक में भाग ले रहे थे, एक तो राजस्थान की कुर्सी बचाना अपनी सीएम की कुर्सी, दूसरा अध्यक्ष पद के लिए क्या करना, तो उसमें से अध्यक्ष पद के लिए पहले से ही उनका नाम अब अलग हो गया है, तो अब सीधे सीधे पार्टी के साथ जुड़े रहने हैं। या एक जो कंसेंसस बन रहा है, जो बड़े लीडर्स तमाम जो प्रस्तावक बनने की भूमिका में आ रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की, तो हो सकता है कि अशोक गहलोत भी एक प्रस्तावक हों और यहां से उनको मल्लिकार्जुन खड़गे के घर जाना है, और इंतजार किया जा रहा है, सारी तैयारी हो चुकी है, किसी भी वक्त वो यहां से निकल सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के घर। और ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 24 साल के बाद क्या गैर कांग्रेसी, गैर गांधी परिवार को कांग्रेस की कमान उनके हाथ में मिलने वाली, या फिर कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर कोई नया सरप्राइजिंग नेम सामने आता है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।